जो बंगाल के संस्कृति से अवगत नहीं है वे बंगाल का ख्वाब ना देखें। उक्त बातें उत्तर कोलकाता से तृणमूल उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा। 9 मई को कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सुदीप बंदोपाध्याय जोड़ासांको स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहां उन्होंने उनके मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर उनके साथ स्मिता बख्शी और संजय बख्शी भी मौजूद रहे। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने दो देशों का नेशनल संग जातीय संगीत रचना किया था। एक हमारे भारतवर्ष का जनगण मन अधिनायक जय है और दूसरा बांग्लादेश का हमार सुनार बांग्ला हमी तुम्हें भालोबास। बड़े दुख की बात है, मैंने आज देखा बीरभूम में बीजेपी का अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान में बताते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर बीरभूम में जन्म लिया था, लेकिन वो तो हमारे कलकत्ता में जोड़ासांको को ठाकुरबाड़ी बोल के विख्यात है सारे विश्व में, वहाँ जन्म हुआ। तो जो पार्टी का अध्यक्ष बन के भी रविंद्रनाथ टैगोर, जो जातीय संगीत लेखक नोबेल लॉरेट, उनका बारे में इतना कम जानते, वो बंगाल को क्षमता लेके चुनाव में लड़के पार्टी को यहाँ बैठाने का इतना कोशिश क्यों करते जो बंगाल की देश की दृष्टि संस्कृति के साथ परिचित इसी तरह से नहीं है। तो हम लोग रविंद्रनाथ को आदर्शों पर ये बंगाल को ये देश को चलाना चाहते हैं और इसीलिए आज 25 वैशाख ये तो बंगाली का अलग से सारे देश में भी। वहीं कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, दक्षिण कोलकाता से उम्मीदवार माला राय ने भी गुरुदेव की मूर्ति पर माल्यार्पण की।